फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने अपना मित्रा एप्लीकेशन खोल रखा है और मैं यहाँ पर एक रिचार्ज 49 का करके देखूंगा। जैसे कि मैंने 49 रुपये की अमाउंट डाली, यहाँ पर 49 रुपये का रिचार्ज सेलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पर सबमिट किया, अपना एम पिन डाला, उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक किया। वेरीफाई पे क्लिक करते ही आपके सामने एक मैसेज आ जाएगा, MRP नॉट वैलिड। हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्स मार्टी नसीम में। दोस्तों, एयरटेल यूज़रों के लिए एक बुरी खबर निकल कर आ रही है, क्योंकि आज 3 जुलाई को ही एयरटेल ने अपना एक नया अपडेट दिया है, जिसके अकॉर्डिंग 49 वाला रिचार्ज एयरटेल में क्लोज हो चुका है। यानी कि अब जितने भी एयरटेल यूज़र हैं, एयरटेल रिटेलर हैं, वो 49 रुपये का रिचार्ज ना ही कर पाएंगे, ना ही किसी का कर सकते हैं, ना ही खुद कर पाएंगे। 49 रुपये का रिचार्ज अब बिल्कुल बंद कर दिया है। इसके पीछे क्या वजह है और अब इसकी जगह कौन सा रिचार्ज होगा, यानी कि कौन सा नया प्लान आया है, किस तरीके से आप इसे रिचार्ज करेंगे, आज की वीडियो में आपको डिटेल इस वीडियो में देखने को मिलेगी। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप भी 100 रुपये का कैशबैक कमाना चाहते हैं तो मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक ऐप का लिंक मिलेगा, जिसका नाम है ग्रो ऐप। जैसे ही इस ऐप को आप डाउनलोड करेंगे, इसमें रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, आपके अकाउंट में 100 रुपये क्रेडिट हो जाएंगे और 24 घंटे के बाद आप उस बैलेंस को अपने बैंक अकाउंट में भी क्रेडिट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ इसमें इन्वाइट और रेफर करने में भी आपको बहुत अच्छा कैशबैक दिया जा रहा है। आप एक इन्वाइट अगर किसी फ्रेंड को करेंगे तो आपको भी 100 रुपये मिलेंगे और आपके फ्रेंड को भी 100 रुपये मिलेंगे, जिसे आपने इन्वाइट किया है। इसके रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपके आधार कार्ड में एक मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना जरूरी है। ग्रो ऐप क्या है, इसकी KYC कैसे करेंगे, इसका लिंक इस वक्त स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, जाकर देख लीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने अपना मित्रा एप्लीकेशन खोल रखा है और मैं यहाँ पर एक रिचार्ज 49 का करके देखूंगा। जैसे कि मैंने 49 रुपये की अमाउंट डाली, यहाँ पर 49 रुपये का रिचार्ज सेलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पर सबमिट किया, अपना एम पिन डाला, उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक किया। वेरीफाई पे क्लिक करते ही आपके सामने एक मैसेज आ जाएगा, MRP नॉट वैलिड, प्लीज़ चेक ट्रांजैक्शन SMS फॉर डिटेल्स। और इसी के साथ साथ अगर आप ब्राउज़ प्लान में जाके देखें, 49 रुपये का प्लान अपने मित्रा ऐप में या किसी भी एयरटेल थैंक्स ऐप में या किसी गूगल पे, फ़ोन पे या अमेजोन पे, जो भी आप चलाते हैं, अगर वहाँ सर्च करेंगे तो आपको 49 रुपये का प्लान अब देखने को नहीं मिलेगा। यही इसी के पीछे यही वजह है, क्योंकि एयरटेल ने हाल ही में अपना 3 जुलाई को एयरटेल का 49 वाला रिचार्ज बिल्कुल बंद कर दिया है, क्लोज कर दिया है। अब कोई भी रिटेलर या कोई भी कस्टमर एयरटेल का 49 वाला रिचार्ज नहीं कर पाएंगे। पहले इससे पहले एयरटेल ने पोर्ट कोड निकालना बंद कर दिया था 49 के रिचार्ज पर। कोई भी यूज़र, कोई भी रिटेलर एयरटेल के 49 वाले रिचार्ज से पोर्ट का मैसेज सेंड नहीं कर सकता था, लेकिन आज 3 जुलाई को इन्होंने 49 वाले रिचार्ज पर से रिचार्ज ही खत्म कर दिया है। ना ही इससे आपको वैलिडिटी मिलेगी, ना ही इसमें टॉक टाइम मिलेगा, ना ही कोई रिटेलर इसे रिचार्ज कर पाएगा, ना ही कोई कस्टमर इससे रिचार्ज कर पाएगा। इसकी जगह जो रिचार्ज प्लान आया है, एक तो 45 रुपये का है। अगर आप किसी रिचार्ज पे 45 रुपये का रिचार्ज करते हैं तो आपको इसमें एक महीने के लिए इनकमिंग वैलिडिटी मिल जाती है। अब आप 45 रुपये वाले रिचार्ज से इनकमिंग करा सकते हैं, लेकिन इसमें आपको 1 रुपया कॉल करने के लिए नहीं मिलता। आपको इसमें अलग से अपना टॉक टाइम डलवाना होगा अगर आपको बात करनी है। लेकिन इसकी जगह एक 79 रुपये का रिचार्ज और एयरटेल में आपको देखने को मिलेगा, जो बेस्ट है। अगर आप 45 की जगह 45 वाले रिचार्ज से कंपेयर करें तो आप 79 का रिचार्ज करा सकते हैं। इसमें 64 रुपये का टॉक टाइम आपको देखने को मिलेगा, 28 दिन की वैलिडिटी मिलेगी, 200 MB मिलेगी, 1 पैसा सेकंड मिलेगा। लेकिन याद रखिएगा, इससे भी आपका पोर्ट मैसेज सेंड नहीं होगा अगर आप पोर्ट पर आने के लिए ये रिचार्ज करा रहे हैं। तो आप सिर्फ इसमें वैलिडिटी ले सकते हैं, 64 रुपये का टॉक टाइम दिया जाएगा। इससे पहले लॉकडाउन के अंदर इसमें 128 रुपये का टॉक टाइम दिया जा रहा था, लेकिन वो भी बंद कर दिया गया है। अब आपको 64 रुपये का टॉक टाइम मिलेगा और 1 महीने के लिए इसकी वैलिडिटी मिलेगी। तो यही प्लान है जो हाल ही में एयरटेल ने जुलाई में बदलाव कर दिए हैं। 3 जुलाई को ये अपडेट आया है, इसमें 49 रुपये का रिचार्ज बंद हो गया। अगर आप खाली वैलिडिटी चाहते हैं, इनकमिंग कॉल वगैरह चाहते हैं, तो आप 45 रुपये के रिचार्ज पे जा सकते हैं। 45 रुपये के रिचार्ज पर आपको इनकमिंग मिल जाएगी, 1 महीने के लिए आप सुन सकते हैं, लेकिन उससे कॉल नहीं कर सकते। तो आप 45 रुपये और प्लस 10 रुपये का टॉक टाइम अलग से डलवा लीजिएगा। अगर आप 10 रुपये का टॉक टाइम डलवा लेंगे तो आप इससे कॉल कर पाएंगे, लेकिन कॉल रेट जो आपकी लगेगी, मैंने आपको बताया कि कॉल रेट 45 रुपये के रिचार्ज में आपकी बहुत महंगी लगेगी। तो आप 79 पे जा सकते हैं। 45 में आप देख सकते हैं कि आपकी 1-1.5 रुपया मिनट कॉल लगेगी, तो आप 79 के रिचार्ज पे जा सकते हैं, जिसमें आपको 60 पैसे सेकंड कॉल लगेगी। तो आप 79 का रिचार्ज करेंगे, मेरा अगर सजेशन तो यही रहेगा कि आप 79 से रिचार्ज करा लीजिएगा। तो आज की वीडियो में यही अपडेट था। अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, जो भी रिटेलर भाई हैं, जो भी कस्टमर भाई हैं। साथ ही साथ आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल XMRT नसीम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ही कोई अपडेट आता है, लेटेस्ट अपडेट आता है, कोई ऑफर आता है या कोई प्लान में बदलाव होता है, तो मैं वहाँ पर सबसे पहले उसका अपडेट देता हूँ।